सारे गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि मकतूल रमेश और उसकी पत्नी आशा का कत्ल मुल्जिम अजय वर्मा ने ही किया है। लेकिन जब यह कत्ल हुए उस वक्त मुल्जिम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अदालत मुजरिम अजय वर्मा को 7 साल की सजा देती है और उसकी दिमागी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसे पागलखाने भिजवाने का हुक्म देती है। पेशेंट नंबर 21 को जहां भेज दो। अच्छा हुआ कि कानून ने उसकी सजा माफ कर दी। वैसे भी 3 साल पागलखाने में कम सजा नहीं काटी उस बदनसीब ने। मैं बहुत खुश हूं कि उसे एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में नहीं जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हम लोग उसको घर पर तो लेकर जा सकते ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि बगैर किसी काम के उसका बेकार बैठे रहना ठीक नहीं। जब इंसान खाली बैठता है तो उसके दिमाग में हजारों बातें आती हैं। हो सकता है कि उसका गुजरा हुआ कल उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। आप फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, मैंने सब इंतजाम कर लिया। वो जैसे ही बाहर निकलेगा उसे काम पर लगा दूंगा। गुड, वेरी गुड। हेलो, नमस्ते साहब, मैं आप ही को फोन करने वाला था। हाँ, वो आ गया, मैं उसको सब समझा दिया। मैं आज ही उसको कुमार के साथ आपके पास भेज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। अजय, अब तक तो 3 साल खराब हो गए तुम्हारे, ऐसे कब तक जिएंगे तुम्हें? कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता। बोला ना कुमार, मुझे कोई काम नहीं करना। काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? आज ही तेरे को उनसे मिलने जाने का, बस बात खलास। नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम अजय हो? वेलू भाई ने तुम्हें सब काम समझा दिया है ना? ओ सब बताया कि आपको आपकी बेटी के लिए अंगरक्षक की जरूरत है करके। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए।
अजय यहाँ ड्राइवर बनकर रहेगा। आओ सर। तुम जा सकते हो। जी। अजय, तुम्हें आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तुम्हारे रहने का इंतजाम आउट हाउस में करा दिया गया है। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? जरूरत पड़ेगी, रख लो। अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो? बदसूरत हो। कौन? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर ड्राइवर को बोलो जल्दी गाड़ी निकाले। चलो चलो जाओ। मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ मैं? हाँ, क्या भूल रही हूँ मैं? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो ना क्या भूल रही हूँ मैं? हाँ, स्कूल का बैग। स्कूल का बैग? मैं भी कितनी डफर हूँ, स्कूल जा रही हूँ और बैग नहीं है मेरे पास। अरे बेबी थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम अब तक यहीं हो, जाके बैग लेके आओ ना। ये डर हमें अपने दिलों से निकालना होगा दुबे जी। अरे कुछ लोग नाराज होते हैं तो होने दीजिए। पापा बाय, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। अरे किसी ना किसी को तो सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, उनकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी कुश्ती। सुशीला जी, वो कौन है? नया ड्राइवर। हाय, आई एम प्रियंका चौधरी, प्रिया। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये स्कूल का रास्ता नहीं है, लेकिन स्कूल जा कौन रहा है? राइट 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 राइट। मेरी एक दोस्त है निशा, पहले उसे पिकअप करना है, उससे बहुत जरूरी काम है। वैसे तो वो स्कूल में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए इसके घर जा रही हूँ। अरे अरे, राइट 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 राइट। स्टॉप 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 स्टॉप। घर आ गया उसका। और सुनो, ये जगह ठीक से याद रखना, बार बार मुझे आना पड़ता है और बार बार मैं लेफ्ट राइट नहीं बताने वाली हूँ। अरे देख क्या रहे हो, हॉर्न बजाओ ना। अरे प्रिया बेटी, निशा, अरे जल्दी नीचे आओ, देखो प्रिया तुमको लेने आ चुकी है और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। खुद भी देर करती हो और उसे भी देर करवा देती हो। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं अंकल। तुम्हारे पिताजी? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। हाय प्रिया। अरे निशा चल जल्दी। बाय पापा। बाय अंकल। बाय। चलो। क्या हुआ? स्कूल आ गया। अरे वो तो आएगा ही, लेकिन तुम गाड़ी चलानी नहीं आती है? लाइसेंस किसने दिया है तुम्हें? अच्छा सुनो, शाम के 4 बजे। अजीब आदमी है, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। पता है इस तरह के लोग कांगो में मिलते हैं। पूछ कांगो कहाँ है? कहाँ है? अफ्रीका में। चल। How the planets form is still a matter of speculation. Some say it originated from condensing gas and dust. But do you know why this planet is round shaped? सच्ची ज्योग्राफी इतना बोरिंग सब्जेक्ट है ना, पूछ मत। अब ये दुनिया गोल है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता? और अगर गोल के बजे त्रिकोण भी होती तो हम क्या करते? आज तू करना क्या चाहती है? आज मैं पढ़ना नहीं चाहती। फिर? आज मैं घूमना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ।
पढ़ना लिखना छोड़ो आओ जम के मौज मनाए पढ़ना लिखना छोड़ो आओ जम के मौज मनाए पिक्चर देखे डिस्को जाए झूमे नाचे गाए उम्र अभी है मस्ती की मस्ती में धूम मचाए उम्र अभी है मस्ती की मस्ती में धूम मचाए होटल जाए आइसक्रीम खाए घूमे रंग जमाए अय्या अय्या काम छोड़ दिए तुम्हें क्या आप पागलों के जैसी बात कर रही तुम्हें अजय अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम ना काम करते हुए क्या हुआ क्या हुआ क्या अरे उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है जो मुंह में आ बक देती है उसको दिमाग ही नहीं है दिमाग ऐसी बात बच्ची है ना वो अजय बच्ची है बच्ची इतनी छोटी छोटी बात पर मत सोच उल्टा ये सोच मंत्री साहब कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखो है तुमको और वेलू भाई को क्या बोलेंगे हमें लोग वो भी नाराज होते ना यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे मेरे वास्ते भगवान के वास्ते कुछ दिन वहां काम करके देख और फिर भी नहीं जमा तो छोड़ दो ठीक है अरे ठंडा लाओ इनके वास्ते भाई ठीक हो जाएगा ना सब शतरंज में इतना सोचते नहीं अंकल तो चाल चलिए वो फटाफट चलते हैं तो चेक एंड मेट अब क्या कीजिएगा अब क्या करूंगी जी मेरा हाथी अभी तक जिंदा है तो यह हाथी यहाँ से जाएगा और आपके वजीर को मारेगा अरे हाथी को सीधा चलना पड़ता है टेढ़ा नहीं क्यों नहीं चल सकता जानवर है ना जब मुसीबत में है तो कैसे भी चल सकता है जी नहीं ये आप इसलिए कह रही हैं कि आप हार गई हैं नहीं आप हार गए हैं जी नहीं आप हार गई हैं नहीं आप हार गए हैं आप हार गई हैं नहीं आप हार गए हैं यू नो समथिंग यू आर अ चीट क्या क्या कहा आपने आई सेड यू आर अ चीट एक बार फिर से कहिए आई सेड यू आर अ चीट
क्या शोर मचा रखा है? भीतर जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। बाय बाय सांगी, वो तो अभी बच्ची है, तुम्हारे बाल पक गए पर बचपना अभी तक नहीं गया। जरा दिमाग से तो सोचो। दिमाग ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ हुजूर। आपने अपनी बच्ची के दिल के बारे में कभी सोचा है? इतने बड़े घर में कोई है जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके? ना वो बाहर जा सकती है, ना कोई अंदर आ सकता है। और आप जो हैं, आप इतने मसरूफ हैं अपने काम में कि आपके पास वक्त ही नहीं। तो बच्ची करे तो क्या करे? सब समझता हूँ सांगी, पर क्या करूँ, तुम्हारी तरह न्यूज़पेपर मैग्नेट तो हूँ नहीं, पॉलिटिशियन हूँ, और पॉलिटिशियन की किस्मत में एक जगह टिकना लिखा नहीं। अजय साहब को खाना दे दिया? जी साहब। अजय? ये अजय कौन है? प्रिया का बॉडीगार्ड। प्रिया का बॉडीगार्ड? इसकी क्या जरूरत है? कल अगर मैं रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर देता हूँ, सिक्योरिटी तो छीन ली जाएगी। पार्टी से रिजाइन कर रहे हो? आर यू जोकिंग? नहीं, आई एम सीरियस। ये क्या कह रहे हो? इलेक्शन में वक्त ही कितना है, बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ, और तुम कह रहे हो कि तुम रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर रहे हो? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं। मगर क्यों सत्तू, क्यों? जनता हम नेताओं को देखकर क्या करती है जानते हो? नाक बंद कर लेती है जैसे हम में से बदबू आ रही हो। और ठीक ही तो है, हमने क्या दिया है इस देश को, अपनी भूखी गरीब जनता को? वायलेंस, टेररिज्म, करप्शन। रूलिंग पार्टी में भी रहकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता हूं। मेरा दिल मुझे कोसता है, धिक्कारता है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। कल ही यह खबर तुम्हारे पेपर्स में सबसे पहले छपे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अभी तक सोई नहीं बेटे? पापा नींद नहीं आ रही। लगता है मेरा डांटना तुम्हें बुरा लगा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूं बेटे, मां का प्यार तो तुम्हें मिला नहीं, और दूसरे बच्चों के मां बाप की तरह मैं भी तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? पर बेटे, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, मुझे उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूंगा, पर बेटे मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले कल के लिए ही तो कर रहा हूं। जाओ, अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे। आज की ताजा खबर सत्येंद्र पाल चौधरी का इस्तीफा। देखा जे, सारी सिक्योरिटी हटा ली गई है। शुक्र है ये घर अपना है, वरना ये भी खाली करना पड़ता। मेरे इस्तीफे से बहुत से लोग नाखुश हैं, इसलिए कभी भी कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मेरी एक ही कमजोरी है, मेरी बेटी प्रिया। देखो, आज से तुम्हें और भी एहतियात और होशियारी से रहना होगा। जाओ, प्रिया के स्कूल का वक्त हो गया। ए, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा चेहरा ऐसे ही रहता है क्या? भगवान ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है? तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? अगर हंस के बात करोगे तो क्या बारिश गिर पड़ेगी? बात नहीं कर सकते क्या? गूंगे हो तुम? बहरे भी हो क्या तुम? तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने और लाने के लिए रखा है, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। चुपचाप बैठी रहो। गाड़ी रुको।
कहना है कि क्या बात है? सुशीला दरवाजा बंद करो। यस सर। इस बात का फैसला आप लोगों को खुद करना है कि आप मेरा साथ। मुझे चाटा मारा था ना, आज मैंने मार दिया, बात खत्म, बदला ले लिया मैंने अपना। क्या मांगा था मैंने तुमसे? हाँ क्या मांगा था? सिर्फ बात करने के लिए कहा था ना, तुमने उस पर चाटा मार दिया और वो भी इतनी जोर से। हाथ देखा है तुम्हारा? हथौड़ा जैसा हाथ है, और अगर मारना ही था तो फिर चेहरे पे क्यों मारा, पीठ पर नहीं मार सकते थे? हाँ तुम हंसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम हंस सकते हो। यू स्माइलिंग? अरे देखो देखो ये हंस रहा है, ये हंस सकता है। अरे बचपना छोड़ो प्रिया, प्रिया बचपना छोड़ो। अरे जल्दी जाके छाता खरीद के आओ। चल प्रिया चल आप। ओके चलो, लेकिन इस खुशी के मौके पर जश्न होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन क्या करे क्या करे क्या करे। बैठो बताओ क्या खाओगे, वनीला बटर स्कॉच पिस्ता काजू द्राक्ष टूटी फूटी? एक काम करो दो चॉकलेट सैंडी लेके आना। कल जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ, फ्रॉम नाउ ऑन वी आर फ्रेंड्स। ओके ओके। आज अगर मैं जाके अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि तुम्हारी और मेरे बीच दोस्ती हो गई तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, और वो निशा वो तो मुझे पक्की झूठी समझेगी, बोले कि तेरी और उसकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। खाओ ना। जानते हो कल जब तुमने मुझे मारा ना तो मेरा बहुत जी चाहा कि किसी के कंधे पर सर रख के रहूं, मगर मेरा कोई है ही नहीं ना। पापा है लेकिन हमेशा बिजी रहते हैं, तो मैं क्या करती, अकेले कमरे में बैठ के रोती रही। लेकिन अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, अगर कोई मुझे मारेगा ना तो मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के रहूंगी, और अगर तुम भी मारोगे ना तब भी तुम्हारे ही पास आके रहूंगी। ओके सबने मेरे ऑफिस में ढाबा बोल दिया, जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, बताइए क्या है। जी हाँ सांगे साहब, ये सारे लोग रूलिंग पार्टी से इस्तीफा देकर चौधरी साहब का साथ देना चाहते हैं। रियली? हाँ सर, ये खबर आपके अखबार के जरिए राज्य की सारी जनता तक पहुंचा दीजिए। ओह माय गॉड, ये वाकई इम्पोर्टेंट न्यूज है। आज की ताजा खबर रूलिंग पार्टी से 15 एमएलए का इस्तीफा, सत्येंद्र पाल चौधरी की सपोर्ट में। आज की ताजा खबर। अजय, 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 अजय!
कुछ नहीं होगा। आई नो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पर यह खेल इतना गंदा हो सकता है ये मैं नहीं जानता था। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये काम रूलिंग पार्टी ने करवाया है? देखिए, मैं खास तौर से किसी पर उंगली उठाकर तो ये नहीं कह सकता कि ये काम किसने करवाया है, पर मैं आप लोगों के अखबार के जरिए एक बात और कहना चाहता हूं उन लोगों से जो मुझे तोड़ना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, कि वो इन छोटी और गिरी हुई हरकतों से मुझे डरा नहीं सकते, मेरे फैसले को बदल नहीं सकते। मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा हर हाल में, हर कीमत पर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे? क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मैं उसके करीब होता जा रहा हूं? नहीं, मुझे उससे दूर रहना होगा, दूर रहना होगा मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में दोबारा ये सब कुछ आए। उस पूरे सपने को मैं भूल जाना चाहता हूं, बिल्कुल भूल जाना चाहता हूं।
कुछ मेरे बस में। तेरी वफा रस घोले चोरी चोरी कुछ बोले, तेरी वफा रस घोले चोरी चोरी कुछ बोले। यादों में क्या है कैसे बताऊं, होठों पे क्या है कैसे सुनाऊं, राज नजर से खोले बोले। अजय जी, दिल्ली से लौटने में मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे, प्रिया का ख्याल रखना जी। और देखो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपने आउट हाउस में नहीं, यहीं रहना। What? I'm in love. हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी अभी तू कह रही थी कि तेरी आँख देर से खुली, इसका मतलब है तुझे नींद आती है। नींद आती है तो? भूख लगती है? भूख भी लगती है तो? और प्यास? हाँ बाबा, प्यास भी लगती है तो? तो क्या, तुझे प्यार हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, जब किसी से प्यार होता है ना तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है और ना ही नींद आती है, समझी? चलो यार, क्लास के लिए देर हो रही है। लेकिन अगर मैं उसे प्यार नहीं करती तो फिर सपने में उसके साथ गाना क्यों गाया? कुछ समझ में नहीं आता है। ए! हमारी पार्टी का नाम है भारतीय एकता दल और इसका चुनाव चिन्ह है तारा। ये वो तारा है जो देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि सारे विपक्षी दलों ने एक मत होकर मेरा साथ देने का फैसला किया है। विभिन्न दलों के इस गठबंधन से मेरी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले इस इलेक्शन में पूरे देश में हम रूलिंग पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ईश्वर ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। सत्येंद्र पाल चौधरी जिंदाबाद। सत्येंद्र पाल चौधरी जिंदाबाद। अगर तुम मानना क्यों चाहती हो, लंबे चौड़े हो, बॉडी इतनी अच्छी लेकिन सर में दिमाग बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्या किया मैंने? क्या किया है? 2 दिन से पापा कहीं बाहर गए हुए हैं और तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि चलो प्रिया, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाता हूँ। ओह, तो ये बात है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे डैडी से बगैर पूछे। नहीं नहीं नहीं, इनकार मत करना। और कल संडे भी है, अगर पापा आ जाएंगे तो कहीं जाने नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज। मगर नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। ओके बाबा, ओके, थैंक यू। प्रिया, ये तुम हो? अजय, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। ए, क्या कर रहे हो तुम? शेव। शेव? नहीं नहीं, तुम शेव नहीं करोगे, तुम शेव नहीं कर सकते, मैं तुम्हें शेव नहीं करने दूंगी। अगर तुम शेव करोगे तो वो आदमी नहीं रहोगे और फिर तुम्हें औरों में क्या फर्क रहेगा? अगर प्रिया, नहीं, सजना सवरना सिर्फ औरतों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम ऐसे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, रफ टफ, थोड़े गंदे गंदे। मैं मुंह धो सकता हूँ? हाँ, वो कर सकते हो। कपड़े क्या निकालूं? हाँ, चलो। लेकिन कपड़े? यही ठीक है। क्या है? सब गड़बड़ हो गई निशा,
उसके कमरे में कोई दूसरी लड़की की तस्वीर है। क्या? सॉरी। तो क्या उसके कमरे में दूसरी लड़की की तस्वीर है? हाँ। कहाँ है? उसकी सूटकेस में कपड़ों के बीच छुपा कर रखी। कैसी है वो? खूबसूरत तो है। आप समझ गई, मैं सब समझ गई। क्या? यही कि वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर क्यों घूमता है। जरूर वो उस लड़की को बहुत चाहता होगा और वो लड़की उसे छोड़ के चली गई होगी, तभी तो वो देवदास बना है। लेकिन अगर वो किसी और को जाता है तो मुझे आइसक्रीम खिलाए? आइसक्रीम खिलाने से क्या प्यार हो जाता है क्या? हाँ, नहीं तो उस दिन मेरे नाना ने भी तुझे आइसक्रीम खिलाई थी, खिलाई थी ना? हाँ। उसका मतलब है वो भी तुझे प्यार करते हैं। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं उससे पूछी तो वो सीरियस हो जाता है और तुम भी कुछ नहीं कहती। प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो मेरे लिए, लेकिन अच्छी हो, प्यारी हो, मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ। बताओ ना, कौन हो तुम? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ले जाऊं? ठीक है। बोल रही हूँ, उसकी तस्वीर के नीचे मेरी तस्वीर थी। बेकार में हम लोगों का प्रेस कर रही है। अब तो मानना ही पड़ेगा यार, प्रिया अपने पापा की झूठी कसम तो नहीं खा सकती ना। मतलब वो अपने प्रिया से सचमुच प्यार करता है, और नहीं तो फिर उसकी तस्वीर अपने कमरे में क्यों रखता? लेकिन शायद बेचारा डरता है इसलिए प्रिया से नहीं बोलता। तो फिर मैं बोल दूं? चुप, लड़की कभी पहले बोलती है क्या? तो फिर मैं क्या करूं? किसी भी तरह ये मालूम कर ले कि वो लड़की कौन है, उसके पता चलने के बाद ही तेरी लाइन क्लियर होगी। देखो अजय, हर तरफ डैडी ही नजर आ रहे हैं। देखो देखो, अरे तुमने तो मुझे अपनी मम्मी डैडी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। तो तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं। कोई भी नहीं? फिर वो लड़की जिसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में है वो कौन? तैयार करने पर हमें या जश्न नहीं मनाने। इस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम सबको एक होकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पार्टी। आपने प्रिया के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए कहा था? What is this nonsense? इन बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं है। उससे कहो अजय को साथ ले जाए। हेलो लेकिन ये जगह ना सच्ची यार। ए प्रिया, काम करे, तू अजय को बोलना कहीं बाहर जाके हम लोग घूमने चलते हैं। मैं ऑलरेडी उसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन वो ना कुछ कम बोर नहीं है, कहता है कि रहना तो यहाँ रहो पर ना सीधा घर जाओ। कुछ ऐसा करो जिसे जिंदगी में मजा आ जाए, कुछ थ्रिल आ जाए। क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बोल। मानोगे? अरे पहले बोल ना। क्या? Come on, चल चल। पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं नहीं, Come on यार, एक्सपीरियंस के लिए तो कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। ये सही कह रही है क्या? अरे यार, एक ही बार की तो बात है, मजा आ जाएगा। चल ना, सोचना क्या। हाँ, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तू उसकी फिक्र मत कर। लेकिन किधर? ओके, एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूं। ओके। प्रिया, कहाँ जा रही हो? एक अर्जेंट काम है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर क्यों? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ वहां नहीं आ सकते। क्यों? अब मैं कैसे बताऊं?
मुंह से बोलो। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू। चिकी चिकी जू जू चिकी चिकी जू जू चिकी चिकी जू जू चिकी चिकी जू जू रातों को जगाने लगा दिल मेरा चुराने लगा रातों को जगाने लगा प्यार जब होता है नींद उड़ जाती है रोज अकेले में मेरी याद आती है जान जान दीवाना प्यार तेरा दिल मेरा चुराने लगा रातों को जगाने लगा यार जरा पलकों में तू छुपाना 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 तीर चल रहे हैं दिल मचल रहे हैं आग पे खुदी की प्रेमी जल रहे हैं ये भी कैसा जादू है तू बताना 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 चैन चुरा के क्यों आँख चुराती है मेरी सांसों में दर्द जगाती है जाने जाना ये दीवाना प्यार तेरा दिल मेरा चुराने लगा रातों को जगाने लगा समा सुहाना आ करीब आना मैं लिखूं लबों पे एक हंसी बसाना छोड़ मेरी बाहों को तू सताना 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 है अभी जरूरी थोड़ी थोड़ी दूरी तेरी आरज़ू तो मैं करूंगी पूरी मान मेरी बातों को न जलाना 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 तन्हाई तेरा दिल मेरा चुराने लगा रातों को जगाने लगा दिल मेरा चुराने लगा रातों को जगाने लगा प्यार जब होता है नींद उड़ जाती है रातों
चुराने लगा, रातों को जगाने लगा। आज क्या हो गया तुम्हें? बताती हूँ, पहले गाड़ी रोको। क्यों? गाड़ी रोको ना। अब बोलो। पहले वादा करो। कैसा वादा? मैं जो भी पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। क्या पूछना है? पहले वादा करो ना। वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में थी? देखो तुमने वादा किया है, बताओ ना। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना प्लीज, कौन है वो, बताओ ना प्लीज। क्या मुझे बता देना चाहिए? अगर मैंने बता भी दिया तो क्या ये समझ पाएगी? आखिर कब तक तुम इस आग को अपने दिल में रखकर चैन से जी पाओगे? किसी ना किसी को तो तुम्हें अपने गम का हिस्सेदार बनाना होगा। बता दो इसे, आज सब कुछ बता दो। जान से मार डालूंगा इसे, अगर दोबारा आशा का नाम भी लिया तो। चल ना, चल बस ठीक हो जाएगी, चल 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 ना कुमार। आइए, आज किसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कह दिया? मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक चलेंगे तुम्हारे ये लड़ाई झगड़े दंगा फसाद? बोलते क्यों नहीं, रुको। पहले अपना सर पोंछ लो, फिर मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम लोगों को अंदर आने के लिए दावत देनी पड़ेगी क्या? अपन दोनों को कुछ काम है, कल सुबह आएंगे। ठीक है, जाओ, तुम्हें तो मैं कल देखूंगी। चल चल। आशा जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो मिलेगा ही, पहले एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सिर्फ एक तुम्हारी बहन है जो आसमान से उतरी है, जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता? अरे जब लड़कियां सड़क पर चलती है ना तो हजार लोग हजार तरह की बातें करते हैं, कोई छेड़ता है, ताने कसता है, किसी की जुबान रोकी जा सकती है क्या? लड़कियों के घर वाले तुम्हारी तरह लड़ते झगड़ते तो नहीं है? लोगों को भगवान ने कान दिए हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बहुत सी बातें सुन के अनसुनी करने के लिए भी दिए हैं। अच्छा बाबा, मैं खाना खा सकता हूँ? हाँ खाओ, और सोचो, ऊपर वाले ने खाने के लिए दो रोटी दी है ना, रहने के लिए छत दी है और तुम्हें अच्छी नौकरी दी है, फिर क्यों लड़ाई झगड़े करते रहते हो? कभी सोचा है अगर इस मारामारी में तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन? फिक्र मत कर, जब तक मैं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढूंगा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। खाओ। तेरे को दिमाग है कि नहीं? तेरे को मेरा इज्जत खराब करने का है क्या? साला पूरे शहर के लोग मेरे पास आते हैं अपना लफड़ा सुलझाने के वास्ते, अब तुम लोगों का लफड़ा सुलझाने का काम मैं किसको दूं? देख, मैं तेरे को आखिरी बार समझाता हूँ, आइंदा मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। वेलू भाई, क्या क्या मैंने? ठीक है, तू अंदर जा। अजय, मैंने देवा को सब समझा दिया, वो आगे कभी गलत काम नहीं करेगा, और तू भी अपने मन में कुछ मत रखना। और सुन, कल सुबह जरा वो सेठ से मिल लेना, उसने ओनर से पैसे लेने के बावजूद वो जगह खाली नहीं की और मेरे वादे की इज्जत भी नहीं रखी। तेरे को तो मालूम है कि मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो आधा पागल है।
कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। उसको तेरे साथ इसीलिए भेज रहा हूं कि वहां कोई लफड़ा हुआ तो काम आएगा। अगर ऐसा है तो उसे अभी समझा दो, वहां ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। हाँ हाँ वही करेगा। देवा, हे देवा, अजय के साथ जाना और वही करना जो वो बोलेगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तूने हमें मारने के लिए गुंडे बुलाए थे। दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो, मेरी बेटी को बचाओ। बॉस, क्यों मारा मेरे को? क्या किया ऐसा? उस साली लड़की का बाप अपन को मारने के लिए गुंडे रखता है? उस साले को सबक सिखाना था, बोल। पहले खुद सबक सीख शराफत का, फिर दूसरों को सबक सिखाना। मां बहन दूसरों के हो या अपने, उनकी इज्जत करना सीख। दोबारा ऐसी गंदी हरकत की, जान से मार दूंगा। तेरे को मार पड़ा इसलिए नहीं हंस रहा हूं मैं हंस रहा हूं कि तू अजय को अपना दोस्त बोलता है ना? अच्छा दोस्त है यार, एक लड़की के लिए दोस्त को मारता है? ए देवा चुप करा, मेरे को दारू पीने दे। अच्छा अच्छा अच्छा, दारू पी के सोचेगा क्या? अपने होने वाले साले से कैसा बदला लेने का? क्या बोला? हाँ क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे को मालूम, मेरे को तेरे और आशा के बारे में सब मालूम। बहुत चुप चुप के मिलते हो ना दोनों, तुम और आशा। लेकिन रमेश, मैं हरकत नहीं हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं किसी को नहीं बोलूंगा। किसी को नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस दिन ये अजय को मालूम पड़ा, उस दिन क्या होगा? मैंने खाली जरा सा बोला था उसकी बहन के बारे में, देखा था ना मेरे को कैसा मारा था। लेकिन तेरा तो बहुत बड़ा लफड़ा है यार, तेरे को जीजा जी तो नहीं बनाएगा वो, लेकिन हाँ तेरा छोटा छोटा टुकड़ा करके तेरे को गटर में जरूर डाल देगा वो। गायब हो जाएगा तू, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा तू कभी पैदा भी हुआ था। चुप कर तू। कुमार इधर आ। क्या है? इनमें से कोई भी एक उंगली पकड़। किस वास्ते? पकड़ना। हंस क्यों रहे तुम्हें? क्या तभी सोचे थे? देखना मेरी आशा की शादी किसी डॉक्टर के साथ होगी। क्या आ जाए, तुम्हें एक्सरसाइज करने के टाइम पे अपनी बहन के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं सोचता क्या तुम? ना नहीं, भगवान ने तुझे कोई बहन नहीं दी ना, इसलिए तुझे मालूम नहीं कि बहन क्या होती है। और फिर आशा के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे बहुत पैसे कमाने हैं और बहुत जल्द फिर मैं ये सारे धंधे छोड़कर अपनी बहन को यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता होगा। फिर मैं अपनी बहन की शादी एक ऐसे घर में करूंगा जहां उसे सुख मिले। मैं अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, बहुत अच्छी जिंदगी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि उसकी बहन की शादी मुझ जैसे मामूली और गरीब लड़के से हो। तो नहीं रमेश, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। नहीं आशा, नहीं ना, अगर तुम्हारे भाई को हमारे बारे में पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेगा।
अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पहले हम शादी कर लें और फिर उसे बताएं। वो अपनी बहन की सुहाग को नहीं उजाड़ेगा। I'm sorry, रमेश, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्हें बताए बिना इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो आशा, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो, मेरे साथ घर बसाना चाहती हो, तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं। तुम खुद ही सोच लो। भैया, आज तक आपकी इस छोटी बहन ने आपकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन पहली बार आपकी इजाजत के बिना मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। भैया, मैंने आपके दोस्त रमेश से शादी कर ली है, लेकिन मुझे अपने भैया पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी बहन की इस गलती को जरूर माफ कर देंगे। भैया, आपके आशीर्वाद के लिए मैं रमेश के घर आपका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज भैया, जरूर आना। आपकी बहन आशा। मेरे घर के पास क्या कर रहा है तू? ऐसे तेरी बहन के बारे में कुछ बताने आया हूँ। फिर तेरी गंदी जुबान पर मेरी बहन का नाम आया? हाँ आया, इसलिए कि तेरी बहन रमेश के साथ अब... और मार मेरे को, लेकिन मारने के पहले मेरी पूरी बात सुन। इस वक्त तेरी बहन तेरे दोस्त रमेश के घर रंगरेलिया बना रही है। अगर ये झूठ हुआ तो जान से मार डाल मेरे को। मैं इधर ही रहेगा, भागूंगा नहीं। पहले तू उधर जा, जाकर अपनी आंखों से देख, तब मालूम पड़ जाएगा तेरे को तेरा दोस्त क्या है और तेरी बहन क्या है।
का क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? उसे कब तक होश आ जाएगा? चलो चलो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, कोई अंदर नहीं आएगा, चलो बाजू हटो पीछे हटो पीछे हटो, हटो हटो हटो। कहाँ हूँ, ये लोग कौन है और आपसे क्या चाहते हैं? लेकिन अगर इन लोगों की बात आपने नहीं मानी तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है पापा, और इनमें से एक तो बिल्कुल पागल है। नहीं नहीं चौधरी साहब, ना ही मैं पागल हूँ और ना ही कोई गलत आदमी। हम लोग तो आपकी बेटी का पूरी तरह ख्याल रख रहे, लेकिन आगे हमें इसका कितना ख्याल रखना है इसका फैसला आपके हाथ में। हम लोग आपकी बेटी को जल्दी ही छोड़ देंगे, बस इसके बदले हमारी दो छोटी छोटी शर्तें माननी पड़ेंगी। नंबर एक, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। नंबर 2, आप अपनी नई पार्टी बंद कर दो। इम्पॉसिबल, मैं उन लोगों के आगे कभी नहीं झुक सकता। यू आर टॉकिंग एब्सोल्यूट रबिश। जमीन खा गई है प्रिया को, आसमान निकल गया है कि उसका पता नहीं चला। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं प्रिया को गायब हुए हुए, मगर आप लोग अगवा करने वालों को गिरफ्तार तो किया, ये भी नहीं जान सके कि अगवा किया किसने है। What is your incompetent department doing? कमिश्नर, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम किसी बड़ी ताकत के दबाव में आकर अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। ये मत भूलो कि इस मुल्क के सबसे मशहूर अखबार का मालिक मैं हूँ, समझे? तुम लोगों की पोल खोलकर जनता के सामने रख दूंगा। सर मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, इट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर प्लीज, उससे बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपकी मजबूरी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन पेशेंट को कल ही ICU से यहाँ शिफ्ट किया गया है और उसका इतना खून बह चुका है कि वो अपने पैरों पे सही तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता। आपको कम से कम 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आपको पता है ये केस कितना खराब हो चुका है, शहर भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, एक वही है जो इस केस के बारे में कुछ बता सकता है। अजय, सिस्टर, प्रिया कहाँ है? कहाँ है प्रिया? देखिए, डोंट गेट एक्साइटेड। बोलते क्यों नहीं? उसे कुछ हुआ था नहीं? अभी तक वो लापता है मिस्टर अजय, उसी को ढूंढने के लिए मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। हाउ डेयर यू एंटर इनसाइड? आपसे मैंने मना किया था ना, प्लीज जस्ट गो आउट। स्टॉप इट डॉक्टर। ऑफिसर, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, नेक्स्ट। अजय, डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ, अगर आसानी से पहचान सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट। अजय बचाओ! अजय! यही था, यही था, वो बहन यही चला रहा था, यही चला रहा था। मैं तो रामदादे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नर्स। यस डॉक्टर। ऑक्सीजन और जल्दी से स्ट्रेचर अरेंज करो, जाओ जल्दी क्विक।
ये तेरे इम्तिहान का वक्त है सत्तू। तुझे अपने आप को मजबूत रखना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ सानी। मैं भी कितना मजबूर हूं कि अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो मेरी मजबूरी तो समझेगी ना। तेरी मजबूरी का जरूर एहसास होगा उसे। बेटी तो तेरी है मगर तुझसे ज्यादा हम उसे जानते हैं। बड़ी समझदार और हिम्मत वाली बच्ची है हमारी बेटी। हर मुसीबत का सामना कर सकती है वो। काहे को फिक्र करती है? तेरा बाबा तेरे को बहुत प्यार करता है ना। करता है ना? हाँ। तेरा हमारी शर्तों को मान जाएगा वो। तेरे को जैसा लेके आया था ना वैसा ही तेरे को छोड़ देगा। ठीक है? और अगर पापा नहीं माने तो? तू बहुत खूबसूरत है ना। तेरे को इतना बदसूरत कर देगा अपनी शक्ल देखेगी ना आईने में तो खुद से डर जाएगी। अरे अक्का बाजार इधर काई को लाया रे? हाँ पूरा महीना इधर चलाने का क्या? चल अच्छा किया उसको जो पसंद होगा खा लेगी। ये तेरा बाप है क्या? मुंडी मत हिला, मुंह से बोल के यही तेरा बाप है? हाँ, यही मेरे पापा हैं। यही है तेरा बाप? ये चौकरी को किडनैप करने का है देवा। मेरा पुराना बंगला है ना वहां रखने का। और हाँ, हाँ चौकरी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से रखने का, समझा? हाँ। विलू इस आदमी पर विश्वास तो किया जा सकता है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए सर, ये मेरा खास आदमी है, बहुत काम का और पूरे भरोसे का है। ए, पूरा संभाल ले और फटाफट दूसरी जगह पहुंच। क्यों? क्या वेलू भाई ने अपुन को मना किया है इसलिए? क्या मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो वेलू भाई के आदमी थे, उड़ा दिया बस। चल आपका फोन। हेलो चौधरी है? अरे इलेक्शन जीतने के वास्ते क्या चाल चली है, खुद ही अपनी बेटी को अगवा करा, सारे देश में हंगामा करवा दिया, लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ करवा दिया। अरे वाह चौधरी वाह। काम की बात करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। काम की तो बात कर रहा हूँ, इस नाटक में तेरे को फायदा तो बहुत होगा। क्या तेरे को ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा बहुत फायदा मेरे को भी होना चाहिए? अरे तू ही सोचना सोचना, कब तक मैं वेलू भाई के हाथ के नीचे कुत्ते की तरह काम करता रहेगा और भौंभौं करता रहेगा? अच्छा एक काम कर, तू अपना इलेक्शन बिल और अपनी पार्टी को भी बंद मत कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 2 करोड़ रुपया दे दे बस। आगे बोलो। मैं क्या बोलू, आगे तो तेरे कुछ बोलना। अच्छा मैं कल फोन करता हूँ, जरा सोच समझ के बोलना, क्योंकि तेरी बेटी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, एकदम गोरी गोरी और चिकनी मलाई जैसी, कान की गुड़िया की तरह नाजुक और उम्र भी कुछ खास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 17 की होगी। 17 का मतलब जानता है तू? 17 यानी 17। क्या हुआ सत्तू, किसका फोन था? कुछ नहीं, वो पार्टी वर्कर्स का फोन था। पार्टी वर्कर्स? खामोश। मैंने उसे देखते ही पूछा था ना कि उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। मुझे तो आराम ज्यादा शक्ल से ही पागल लगता था, और तुमने कहा नहीं वो मेरा खास आदमी है। खास आदमी था सर, कुत्ते के पिल्ले की तरह 24 घंटे मेरे आगे पीछे धूम मिलाते फिरता था। मेरे क्या मालूम था कि वो मेरे को ही काट लेगा। लेकिन आप फिक्र मत करिए सर, मैं उसे किसी की तरह ढूंढ निकालूंगा। वेलू
तुम्हें याद है ना, तुम्हें इतना बड़ा गुंडा बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। कैसे बोल सकता हूँ सर? इतना और याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुम्हारी मौत में भी सबसे बड़ा हाथ मेरा ही होगा। तुम जा सकते हो। अब तुम बच्ची नहीं रही, समझदार हो गई हो। भविष्य में मेरी बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ भी अब तुम्हें ही उठाना है। बेचारी, बाप के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ ना। तूने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा ना कि तेरा बाप ऐसा निकलेगा, खुद तेरे को मुसीबत में डालेगा, हैं? सच्ची? आज पहली बार मेरे को भी बहुत दुख हुआ तेरे लिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तेरी किस्मत ही खराब है। साला बाप हराम ही निकला, मैं भी हराम ही मिला। हाँ, लेकिन एक आदमी तेरे को बहुत अच्छा मिला, वो तेरा अजय। लेकिन किस्मत देख, वो बेचारा भी मर गया। किधर से आ रहे लिए? अरे अपन लोग के लोग जो रहते हैं ना, उन लोग का मौज मस्ती चल रहा है। चल अपन भी चले। अरे पागल हो गया ला क्या? अगर अपन लोग ये छोकरी को इधर से छोड़ के गया ना, तो देवा भाई अपन को नहीं छोड़ेगा, खलास कर डालेगा। हाँ देख रहे हैं सर, आज देश के सारे अखबारों में सिर्फ आप ही का चर्चा हो रहा है। लोगों के दिलों में आपके लिए हमदर्दी जंगल में आग की तरह फैल रही है सर। आपकी बढ़ती हुई शोहरत को देख कर अपोजिट पार्टी वाले बहुत घबराए हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ आप ही आप छाए हुए हैं सर। अब हमारी पार्टी को जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पार्टी के बारे में सोच रहे हो तुम लोग? मेरी बेटी का क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा। आप लोग जरा बाहर जाइए, सुशीला तुम भी। सत्येंद्र पाल, अब सिर्फ कुछ दिनों का सवाल है। जैसे आज तक तुमने सब्र किया है, थोड़े दिन और अपने आप पर काबू रखो। एक बार इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद फिर हम। तब तक वो पागल इंतजार नहीं करेगा। इलेक्शन से पहले अगर मैंने उसकी शर्त पूरी नहीं की, वो खत्म कर डालेगा मेरी बेटी को, मार डालेगा उसे। और अगर तुमने इलेक्शन के पहले उसकी शर्त मार ली तो तुम मर जाओगे। हाँ ये सच है सत्येंद्र पाल, शर्त पूरी होते ही वो प्रिया को छोड़ देगा, और प्रिया के आजाद होते ही वो सिंपथी वेव भी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण आज हमारी पार्टी जीत सकती है। हमने हमेशा तुम्हें सही सलाह दी है सत्येंद्र पाल, तुम्हारे राजनीतिक जीवन की ऊंचाई इस बात की गवाह है, अभी हम पर विश्वास रखो। लेकिन वो मेरी बेटी है, ये उसकी जिंदगी। आम लोगों की तरह जज्बाती मत बनो सत्येंद्र पाल, और एक मिनट के लिए सोच कर देखो, वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि इस देश की एक आम शहरी है। फिर फैसला करो कि ज्यादा जरूरी क्या है, पार्टी का जीतना या उस लड़की का रिहा होना। क्या कर रहे हैं तुम्हें? अरे ये सब सामान क्यों निकाल रहे हैं?
क्या बात है अजय, इतना बेचैन क्यों लग रही तुम्हें? मेरे को तुमसे डर लग रहा है अजय। आज आज तुम्हें अजय नहीं लग रही, एकदम पागल जैसी दिख रही तुम। हाँ मैं पागल हो गया हूं, इस दुनिया ने पागल बना दिया है मुझे। इसने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, हमेशा खेल खेलती रही है मुझसे, जिस जिस को चाहा एक एक करके सब कुछ छीन लिया मुझसे। पहले मेरे माँ बाप को, फिर मेरी बहन को, एक जिंदा लाश बनाकर फेंक दिया मुझे। उस लाश में जान डाली तो प्रिया ने, पर आज ये दुनिया मेरा प्यार मुझसे छीन लेना चाहती है। मैं नहीं खोऊंगा उसे, वापस लाऊंगा उसे, वापस। कहां से, किन लोगों से? अच्छी दुनिया में ढूंढेंगे, वो लोग कौन हैं, प्रिया को कहां रखो हैं, कुछ मालूम है तुम ना? वो आदमी कहां जिसे मैंने पहचाना था? एक हादसे में मर गए उन्हों। कैसे? वो लॉरी ड्राइवर कहां है? तुझसे कोई मिलने आया है? आप उनसे? कौन है? देखिया, इन्हों तो वेलो भाई के आदमी है। अरे, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरे को मारा, वेलो भाई को मारा? नहीं अजय नहीं, मेरे को मत मारो, मैं सब बताता हूँ। ये सच है कि ये सब मैंने ही करवाया, लेकिन वो हरामजादा देवा ने मेरे को ही डबल क्रॉस कर दिया। अब वो छोकरी को कहाँ पे रखा है मेरे कुछ नहीं मालूम, मैं खुद भी उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ अजय, मैं सच बोल रहा हूँ। देख देख मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। अच्छा अच्छा ड्रेस, तू जब से इधर आई है यही ड्रेस में। अब क्या है कि तू महलों में रही है, गद्दों पर सोई है, तेरे को साफ सुथरा तो रहना ही मांगता है ना? नहीं तो तेरे बदन से बदबू आएगी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। ये देख, तेरे वास्ते आज मैंने नया ड्रेस पहना। अपुन को भी अच्छा अच्छा ड्रेस पहनने का बहुत शौक था, लेकिन अपुन के पास पैसा नहीं। वो वेलू भाई ना, वेलू भाई, उसको अपुन का टिप टॉप रहना पसंद नहीं। लेकिन अब तू मेरे पास आ गई है ना सोने की चिड़िया, अब तेरी वजह से अपुन भी अपना सारा शौक पूरा कर सकता है। ले ले, उधर जाके चेंज कर ले, जा। नहीं नहीं, मेरे को कोई ना बोलता है ना बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। देख अभी मेरा हाथ तेरे सर पे है, अगर ये हाथ उतर कर गर्दन पे आ गया ना तेरा मौत बन जाएगा, अगर ये हाथ गर्दन से और नीचे नहीं, नहीं। ना जिंदगी रहेगी ना मौत। अब बोल तू खुद पहनेगी या मैं पहनाऊं? मैं पहनूंगी। गुंडा है तू, ऐसा होता है गुंडा? स्कूल के बच्चों की तरह रोकर शिकायत करता है गुंडा? वेलू भाई, वेलू भाई, अरे तू तो मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देगा, पानी। मैं क्या करूं साहब, अगर उसे नहीं बताता वो मुझे जान से मार डालता था। लेकिन साहब मैं तो सिर्फ देवा का नाम बता, आपके बारे में कुछ नहीं बताया साहब। इसीलिए तो जिंदा है तू अभी तक, लेकिन देवा के बारे में भी तूने उससे बताकर कितनी बड़ी गलती की है ये तू नहीं जानता। पर साहब अब उसकी हालत जख्मी शेर जैसी है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती, अब तो सिर्फ आपका दिमाग ही उसे रोक सकता है सर। आप ही कुछ कीजिए ना सर। भाई भाई, क्या हुआ, इतना डरा हुआ काइको, कुछ लफड़ा हुआ? हाँ भाई हाँ, वो अजय है ना, अजय वो रामजाद अस्पताल से बाहर आ गया है। हाँ
उसने वेलू भाई को बहुत मारा है और वेलू भाई ने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। भाई तुम तो जानते हो अजय कितना खतरनाक आदमी है, वो यहाँ तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो यहाँ तक पहुंच गया तो अपुन में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भाई ये जगह अपुन बदल लेते हैं। चलो देख रही थी, सपने में तेरा हीरो अजय आया था ना, वो मेरे को मार डाला फिर चुड़ा के तुझे अपने साथ ले गया। मुझे मालूम वो आएगा, जरूर आएगा तेरे को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोहे का है ना साला, इतना गोली खा के भी बच गया।
वो अस्पताल से बाहर आके वेलू भाई को बहुत मारा और इधर भी आएगा, लेकिन मैं वेलू भाई नहीं हूं। अगर वो इधर आ गया ना तो क्या होगा मालूम? तेरी लाश मिलेगी। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आप? अजय तो आपकी बेटी का अंगरक्षक था। कल तक मैं भी यही समझता था, पर अभी अभी मुझे मालूम पड़ा है कि वो मेरे यहां काम करने से पहले अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया करता था। इज इट? एसीपी साहब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप अजय को फौरन गिरफ्तार कीजिए और तब तक हिरासत में रखिए जब तक वो प्रिया के बारे में सब कुछ बता ना दे। यस सर। हाँ एक बात और, इस गिरफ्तारी को राज रखिएगा वरना मेरी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। डोंट वरी सर। साहब की लड़की को किडनैप करने में कौन कौन तुम्हारे साथ था? ये प्लान तुम कब से बना रहे थे? इस प्लान में और किस किस का हाथ था? इस गद्दारी के लिए तुम्हें कितना पैसा मिला? बोलो। मैं कितनी बार कह चुका हूं मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मैं खुद प्रिया को ढूंढ रहा हूं, कहां है वो मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ सुना आप लोगों ने, ये तो खुद प्रिया को ढूंढ रहा है, बिना वर्दी के पुलिस वाले का काम कर रहा है। अब ये नाटक बंद कर, शराफत से सब कुछ बता दे वरना जुबान खुलवाने के हजारों तरीके आते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 8 घंटे की मोहलत देता हूं, सिर्फ 8 घंटे। बस कुछ दिन और यार, या तो माला मालूम जाएंगे या तो खत्म कर डालेंगे साली छोकरी को। पूरे देश का चुनाव विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। भारतीय एकता पार्टी के उम्मीदवार श्री सत्येंद्र पाल चौधरी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। उम्मीद की जाती है कि श्री सत्येंद्र पाल चौधरी और उनकी भारतीय एकता पार्टी देश भर में भारी बहुमत से विजयी होगी। इसका मुख्य कारण बताया जाता है उनकी सुपुत्री प्रियंका चौधरी का अपहरण। सारे देश की जनता की सहानुभूति श्री चौधरी के साथ है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। प्रिया मैं कैसा लगता हूँ? ओ प्रिया, प्रिया कहाँ? प्रिया ये क्या किया तूने? अरे मेरा 2 करोड़ रुपया लेकर चली गई। 2 करोड़ तू ऐसे नहीं मर सकती, ऐसे नहीं मर सकती। मेरे को 2 करोड़ मिलने वाले थे, अब कहां से मिलेंगे? अरे कुछ किया तेरे को नहीं ना, फिर तूने मुझे काहे को धोखा दिया? बोल बोल बोल।
हेलो एसीपी जगपत हेयर, कहो इंस्पेक्टर नारायण, क्या क्वेरीज में एक लड़की की लाश मिली? बट ओ नो, तैयारी करो। आखिर तेरे आदमियों ने प्रिया को मार ही डाला ना, खत्म कर डाला ना उस मासूम बच्ची को। अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूं। कैसे कह सकते हैं कि प्रिया जिंदा है? हाँ हाँ बेटे, प्रिया जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी मर नहीं सकती। इसके अलावा मेरे कुछ अपने शक हैं जो साबित कर देंगे कि वो जिंदा है। वो क्या है? शक नंबर एक, जिन लोगों ने प्रिया को अगवा किया था उनका मकसद था चौधरी को इलेक्शन लड़ने से रोकना, मगर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। चौधरी को पब्लिक की हमदर्दी मिल गई और अब जब दो दिन बाद इलेक्शन होने वाला है, प्रिया को मारकर वो इस हमदर्दी को दुगना कर दें? ना, मेरे ख्याल में वो ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते। शक नंबर दो, बचपन से चौधरी मेरा लंगोटिया याद रहा है और किसी को वो अपने दिल की बात बताए ना बताए मुझे हमेशा बताता था, और ये पहली दफा है कि उसने इस बात को मुझसे छुपा कर रखा कि प्रिया को अगवा करने में तुम्हारा हाथ। मेरा हाथ? हाँ, और तुम्हारी गिरफ्तारी भी चौधरी ही के कहने पे हुई थी। सर आपका फोन। हेलो। वाह चौधरी साहब वाह, किसी और को मार के अपनी बेटी साबित करवा दिया और पब्लिक का सिंपैथी पा लिया। कल इलेक्शन है, इलेक्शन में तो तू जीत भी जाएगा। तूने तो डबल क्रॉस करके मेरी कुछ बेवकूफ बनाना चाहता, लेकिन तू अपने आप ही बेवकूफ बन गया। मालूम है तेरे को कैसे? मालूम है, मैं अगर पब्लिक के सामने तेरी जिंदा बेटी को ले आऊं और सारी पब्लिक को तेरे प्लान के बारे में बता दूं तो क्या होएगा? तेरे इलेक्शन के रिजल्ट के क्या होएगा? सोच सोच सोच। अरे घबरा मत, घबरा मत। अगर तू चाहता है मैं ऐसा नहीं करूं, नहीं करूंगा, लेकिन उसके बदले में पहले कितना मांगा था? हाँ 2 करोड़ रुपया, अब 10 करोड़। नहीं 10 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 बस, 5 करोड़ दे दे। जरा गौर से सुन, मैं 1 घंटा बाद तेरे को फिर फोन करेगा। जगह बता देना, उधर मेरा भाई को रुपया लेने भेज देगा। किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझा ना? अगर मेरा भाई रुपए लेकर सही सलामत वापस आ गया तो तेरा इलेक्शन की जीत का मजा ले सकता है। मंजूर ना? मंजूर है। Thank you.
चौधरी साहब, प्रकाश को आज उठा के ले गया। क्या? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रिया को कहाँ छुपा के रखा है? बोल, मुझे नहीं मालूम। बता प्रिया कहाँ है? नहीं मालूम। Thank you.
अभी अभी प्राप्त ताजा चुनाव समाचारों के अनुसार भारतीय एकता पार्टी 2/3 से भी अधिक बहुमत प्राप्त कर चुकी है। नव निर्वाचित सदस्यों ने सर्वसम्मति से श्री सत्येंद्र पाल चौधरी को अपना नेता चुन लिया है। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही हमने अपनी पहली सभा का आयोजन इस छोटे से क्षेत्र में क्यों किया। हमारे लिए क्षेत्र छोटा नहीं बल्कि ये तीर्थ स्थान है क्योंकि हमने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ इसी क्षेत्र से आप लोगों के बीच में शुरू किया था। इसलिए हमने अपना फर्ज समझा कि सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद दें। आज का ये दिन हमारे लिए जितना खुशी का दिन है उतना ही दुख का भी है। सच्चाई की ये जंग हमने दुबे जी, खरे जी और न जाने कितने अपनों को खोकर जीती है। मुबारक हो सर। यहां तक कि हमारी नन्नी मुन्नी मासूम सी गुड़िया जो हमारे दिल का टुकड़ा थी, हमारी इकलौती संतान थी, इस न्याय के कुरुक्षेत्र में हम उससे भी कुर्बान कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हम उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। चौधरी माफ करता रहा मगर आज तूने इस दुआ देने वाले दिल की भी बद्दुआ ले ली और अब तुझे कोई नहीं माफ करेगा। सत्तू साजिश मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। गार्ड सिक्योरिटी अरेस्ट देम। देख क्या रहे
अजय मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो अजय। बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? सिर्फ मैं ही नहीं, सारी जनता सुनना चाहती है तुमसे, समझाओ समझाओ मुझे। आखिर ये राजनीति होती क्या है? ये कुर्सी का नशा होता कैसा है जिसे पाने के लिए इंसानियत से इतना नीचे गिर जाते हो तुम लोग कि दोस्त के हाथों दोस्त का घर जलवा देते हो, भाई के हाथों भाई का खून करवा देते हो। कभी हड़ताल, कभी दंगा फसाद, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे लाशें बिछा देते हो तुम लोग। बोलो ऐसा क्यों करते हो? बोलो। अजय अगर तुम मेरी जिंदगी बख्श दोगे ना, मैं जिंदगी भर देश सेवा करता रहूंगा। देश सेवा? हाँ। और तुम? हाँ। जो कुर्सी को हथियाने के लिए अपनी औलाद की बलि चढ़ा सकता है, उसकी नजरों में देश या देश की आम जनता की क्या औकात होगी? कीड़े मकौड़ों से भी ज्यादा बदतर। तुम जैसों को माफ करना, इन जैसे लाखों लोगों पर जुल्म करना होगा। देखो देखो इसे, इससे पहले के कुछ नेताओं ने तो सिर्फ ये देश बेचा होगा, मगर ये वो है जो इस देश का बलात्कार कर देगा। इसका राजनीतिक जीवन यहां से शुरू हुआ था, अब आप लोग बताइए इसका अंत कहां होना चाहिए?